हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिल आज आपको कैसे सिस्टम की परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करते हैं ये बताऊंगा। जैसे आपने फर्स्ट टाइम सिस्टम जब ख़रीदा होगा या फर्स्ट टाइम जब आपने OS इंस्टॉल किया होगा तो उस समय तो स्पीड बहुत अच्छी मिलती है सिस्टम की, लेकिन जैसे जैसे कुछ टाइम स्पेंड होता है वैसे वैसे सिस्टम की परफॉर्मेंस बहुत स्लो हो जाती है। तो मैं कुछ ट्रिक्स और टिप्स बताऊँगा जिसके थ्रू आप अपनी सिस्टम की स्पीड को पहले जितना तो नहीं कर सकते हैं कि नया जैसा जैसे फर्स्ट टाइम आपने ख़रीदा था, लेकिन आप अपनी सिस्टम की स्पीड को 90% रेज कर सकते हैं। जो अभी चल रही है उससे 90% आप रेज कर सकते हैं, स्पीड अप हो जाएगा आपका सिस्टम। तो कुछ मेथड हैं, वो कौन कौन से मेथड हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या करिए, जैसे यहाँ पे मैं डेस्कटॉप अभी शो करता हूँ, यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं सबसे पहला मेथड है कि इस पे अगर नंबर ऑफ़ आइकन्स आपके बहुत ज़्यादा होंगे, अगर जैसे मैं इसके सारे आइकन्स बाहर निकाल के डाल दूँ, सब जितना आइकन्स है ये सारा का सारा आइकन्स अगर मैं ये सेंड टू डेस्कटॉप कर दूँ, यानी बहुत सारे लोग को देखा होगा कि ज़्यादातर अपना जितना भी वर्किंग फोल्डर्स या फाइल्स होती हैं सब डेस्कटॉप पे रखते हैं, तो ये अवॉइड करना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए, जैसे हमारी रेगुलर की चीज़ हैं इनको हमें क्या करना चाहिए, इनको हमें शॉर्टकट्स हैं जो हम कभी कभी यूज़ करते हैं, फाइल्स हैं, उनको हमें एक फ़ोल्डर बना के, जैसे हमने एक डेस्कटॉप फोल्डर बनाया, डेस्कटॉप फोल्डर बना के उसके अंदर ये सब रख देना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारी जो स्पीड है सिस्टम की वो बढ़ जाती है। यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है जैसे सॉफ्टवेयर है इसको हम सिस्टम के अंदर डाल सकते हैं डेस्कटॉप के अंदर। तो इस तरीके से पहला मेथड है कि आप जितने भी आइकन्स हैं डेस्कटॉप पे अननेसेसरी, बहुत ज़्यादा आइकन्स नहीं होने चाहिए। दूसरा सेकेंड मेथड है कि जो हमारी सिस्टम की टेम्परेरी फाइल्स हैं उनको हमें डिलीट करना चाहिए। उसके लिए क्या करना है, विंडो आर यानी रन प्रेस कर, रन पे जाना है, यहाँ पर आप टेम्प लिखेंगे, टेम्प लिख के एंटर करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारी टेम्परेरी फाइल्स होंगी, इनको हमें सेलेक्ट ऑल करके डिलीट करना होता है परमानेंटली। ये जब डिलीट कर देंगे तो सिस्टम की स्पीड थोड़ी बढ़ेगी। तो दूसरा ये मेथड हुआ। तीसरा मेथड है आप डिस्क क्लीनअप चलाएंगे। डिस्क क्लीनअप के लिए आपको क्या करना होता है, आप रन पे जाइए, यहाँ टाइप करिए डिस्क, तो ये फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा डिस्क क्लीनअप, इसको ओपन करेंगे। यहाँ पर आप OS ड्राइव को ज़्यादातर क्लीन करना चाहिए क्योंकि सबसे ज़्यादा जो अननेसेसरी फाइल्स होती हैं वो सी ड्राइव में ही होती हैं। तो यहाँ पर आप विंडो सी, विन सी देख रहे हैं आप, यहाँ पर सेलेक्ट है बाई डिफॉल्ट सी ड्राइव, ओके करेंगे तो ये क्या होगा कि ये सर्च करेगा अननेसेसरी फाइल्स को। अननेसेसरी फाइल सर्च होने के बाद ये दिखाएगा कि आपकी जो अननेसेसरी फाइल्स हैं उनको डिलीट करने के लिए ऑप्शन देगा, तो ये आप इसको डिलीट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आ गया है, आप इसको क्या कर सकते हैं, जितना देख रहे हैं सब सेलेक्ट कर लीजिए, जितनी फाइल्स हैं डिलीट करने के लिए सबको सेलेक्ट करने के, आप देख सकते हैं यहाँ टोटल अमाउंट डिस्क स्पेस यू गेन 1.68 GB, सी ड्राइव का अननेसेसरी 1.68 GB कंज्यूम हो रहा था, इसको डिलीट कर देना है। ये डिलीट होने के बाद अगला हमें क्या करना होता है, नेक्स्ट हम सिस्टम में जो सिस्टम का जो ड्राइव है उसको क्या कर सकते हैं कि सिस्टम की प्रॉपर्टी पे जाते हैं, यहाँ से टूल्स पे जाते हैं, यहाँ पर डीफ्रैगमेंट कर सकते हैं, डीफ्रैगमेंट ऑप्शन देख रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे ये डीफ्रैगमेंटेशन ऑप्शन, ये लास्ट रन, वैसे ये बाय डिफॉल्ट शेड्यूलिंग टर्न ऑन है, दैट मीन्स कि हर वेडनेसडे को ये शेड्यूल हो जाता है, यानी ऑटोमेटिकली ये प्रोसेस रन कर जाती है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं है तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, डीफ्रैगमेंट डिस्क और एनालाइज, एनालाइज में ये देख सकते हैं, एनालाइज मैंने क्लिक किया है तो यहाँ पर प्रोसेस चल रही है, 24% एनालाइज हो रहा है। तो जैसे ये 24% हुआ 100% या 100% तक जाएगा, यहाँ 0% दिखा रहा है फ्रेगमेंटेड। अगर यहाँ पे आपको एनालाइज करने के बाद यहाँ कुछ परसेंटेज शो करता तो आप डिस्क डीफ्रेगमेंट कर सकते थे, डीफ्रेगमेंट करने से भी
आपकी सिस्टम की परफॉर्मेंस बढ़ती है। तो ये तीसरा मेथड है। फोर्थ आप क्या कर सकते हैं, राइट क्लिक करेंगे डेस्कटॉप पे, पर्सनलाइज पे जाएंगे, यहाँ पर डेस्कटॉप बैकग्राउंड। अगर डेस्कटॉप बैकग्राउंड आपका बहुत हैवी, दैट मीन्स कि अगर आपने कभी क्या कहते हैं वॉलपेपर, 3D वॉलपेपर सेट कर रखा है, तो आप उसको नॉर्मल विंडोज़ के उस पर सेट कर सकते हैं, नॉर्मल विंडोज का डेस्कटॉप सेट कर सकते हैं यहाँ से। देन ये फोर्थ ऑप्शन था। यहाँ पर आप स्क्रीन सेवर भी कई बार सेट होता है यहाँ से, अभी तो ये नन है, कई लोग स्क्रीन सेवर, बहुत सारे स्क्रीन सेवर ये लगा के रखते हैं इस तरीके से। तो स्क्रीन सेवर जब ये चलता है तो होता क्या है कि इसकी प्रोसेसर, जो प्रोसेसर है और रैम है, वो ज़्यादा कंज्यूम होता है, तो हमें इसको क्या करके रखना चाहिए, नन करके रखना चाहिए। आगे हम क्या कर सकते हैं, जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो हमारी बहुत सारी सर्विसेज अननेसेसरी, जिनको चलना नहीं चाहिए, जिनको रन नहीं करना चाहिए, वो रन करती रहती हैं, उन सर्विसेज को हमें अवॉइड करना चाहिए स्टार्टअप पे। तो स्टार्टअप सर्विसेज को कम करना, उनको बंद करने के लिए हम MS config कमांड यूज़ करेंगे, और MS config कमांड पे यहाँ स्टार्टअप पे क्लिक करेंगे। स्टार्टअप पे यहाँ देखिए अननेसेसरी, जैसे ही आपका सिस्टम स्टार्ट होता है वैसे ग्रूव मॉनिटर यूटिलिटी चल जाती है, इसको हटा दीजिए। VMware वर्क स्टेशन हमारा चल जाता है, वी प्रोटेक्शन है ये भी चल जाता है, माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी क्लाइंट, ये तो एंटीवायरस है, जो सर्विसेज जिनको आप जानते हैं जिनका चलना ज़रूरी है उनको यहाँ टिक करेंगे, अडोब एक्रोबैट जब हमें ज़रूरत हो तब चले, अडोब रीडर भी, मैजिक डिस्क, डाउनलोड मैनेजर, इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, या ज़रूरत है तो टिक रहने दीजिए, इसके बाद अप्लाई कर दीजिए। इससे भी हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस, जैसे ही इसको आप अप्लाई करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन तभी लेगा ये, सेटिंग्स तभी चेंजेस होंगी जब तक ये रिस्टार्ट लेगा, जब तक रिस्टार्ट नहीं होगा तब तक ये जो आपने चेंजेस किए हैं वो अप्लाई नहीं होंगे। तो अभी मैं बाद में इसको अप्लाई करूँगा। देन ये आगे सेवन्थ मेथड क्या है कि आप एंटीवायरस स्कैन करेंगे। यहाँ मेरे पास एक एंटीवायरस है, यहाँ पर क्विक स्कैन, फुल स्कैन, कस्टम स्कैन। तो क्विक स्कैन हमें रेगुलर बेसिस पे करना चाहिए या डे टू डे करना चाहिए, और फुल स्कैन हमें वीकली कर लेना चाहिए। तो फुल स्कैन या क्विक स्कैन करेंगे तो सिस्टम के जितने वायरस वगैरह होंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने स्कैनिंग चला रखा है, इससे भी सिस्टम की परफॉर्मेंस स्लो होती है। आगे आप यहाँ पर कंप्यूटर कंट्रोल पैनल पे जाएंगे, कंट्रोल पैनल पे आप देखेंगे प्रोग्राम एंड फीचर्स, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं नंबर ऑफ़ प्रोग्राम्स, नंबर ऑफ़ सॉफ्टवेयर्स जो आपने इंस्टॉल कर रखे हैं अपने सिस्टम पे। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनका हो सकता है मुझे यूज़ एक साल में या 6 महीने में होता हो, तो 6 महीने में या 1 साल में जिन सॉफ्टवेयर का यूज़ होता है उन सॉफ्टवेयर की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है, तो उनको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से अनइंस्टॉल कर सकते हैं। उन सॉफ्टवेयर्स को अनइंस्टॉल करेंगे जिनकी ज़रूरत हमें बहुत टाइम के बाद होती है, जिनकी फ्रिक्वेंसी, यूजेस फ्रिक्वेंसी बहुत रेयर होता है, उनको हम अनइंस्टॉल कर देंगे, जिससे कि हमारा सिस्टम परफॉर्मेंस अच्छी देने लगेगा। इसके बाद एक और बहुत अच्छा टूल है जिसके थ्रू हम सिस्टम की परफॉर्मेंस को अच्छी कर सकते हैं, वो होता है OS ड्राइव। जिस OS से आपने सिस्टम को ऑन कर रखा है, चला रखा है, जैसे मैंने भी विंडोज 7 से चला रखा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल जो साइज़ है वो 28.9 GB है, लेकिन इसमें फ्री साइज़ जो दिखा रहा है वो 5.08 GB दिखा रहा है। हमेशा याद रखिए कि हमें OS का जो OS हमारा होता है उसका पार्टीशन जो है वो उतना बनाना चाहिए जितने में OS हमारा रहे, और स्पेस जो खाली रहे वो हमेशा उसके आधे से ज़्यादा खाली रहे, यानी कि जब OS हमारा जिस ड्राइव पे इंस्टॉल्ड है उसका 50% स्पेस फ्री होना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं है। जैसे 28.9 यानी अप्रॉक्सीमेटली 30 GB है ये, तो इसमें 15 GB खाली होना चाहिए, 15 GB, पर यहाँ 5 GB खाली है। तो यहाँ क्या करेंगे हम, इसको क्या कर लेंगे, इसको एक्सटेंड कर लेंगे बगल वाली ड्राइव से। तो एक्सटेंड करने या फिर जब हम पार्टीशन बनाते हैं तब उतना ध्यान रख के पार्टीशन बनाएं कि हमारे जो OS है उसमें एनफ फ्री ड्राइव रहे, एनफ फ्री स्पेस रहे।
अदरवाइज अगर आपका बाद में कम हो जाता है तो आप उसको मैनेज कर सकते हैं, पार्टीशन को एक्सटेंड कर सकते हैं। ये पार्टीशन यहाँ पर तो एक्सटेंड नहीं हो सकता, वो इस वजह से नहीं हो सकता क्योंकि इसके यहाँ पे बगल में एक और ड्राइव बनी है, तो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के थ्रू आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। उसको कैसे मैनेज करते हैं पार्टीशन, ये मैं आपको नेक्स्ट सेशन में पार्टीशन मैनेजर में बताऊंगा नेक्स्ट सेशन में। सो ये कुछ मेथड थे, कुछ ट्रिक्स और टिप्स थी जिसके थ्रू आप सिस्टम को परफॉर्मेंस को हाई कर सकते हैं। एक और ट्रिक्स है, वो क्या है, जैसे जब आप ब्राउज़र का यूज़ करते हैं तो उसमें भी बहुत सारी फाइल्स कुकीज़ होती हैं जो स्टोर हो जाती हैं, अननेसेसरी फाइल, तो उसको भी आप डिलीट कर सकते हो। जैसे प्रीफेच कमांड चला के, प्रीफेच कमांड चलाएंगे, इसमें बहुत सारी ये आप देख सकते हैं फाइल्स हैं, इनको आप सेलेक्ट ऑल करके शिफ्ट डिलीट कर सकते हैं, इससे भी हमारी सिस्टम की परफॉर्मेंस डिलीट होगी। और जो मैंने पहले फर्स्ट टाइम टेम्प चलाया था उस पर आप परसेंटेज टेम्प परसेंटेज चलाएंगे तो ये सिस्टम की फाइल है, इनको भी हमें डिलीट करना होता है, इसको भी डिलीट कर देंगे। इसमें एक फाइल यूज़ होती रहती है, एक दो फाइल, उनको नहीं डिलीट करना है। तो इतने मेथड से आपने देखा कि सिस्टम की परफॉर्मेंस हाई होती है, ये आप करके देखिए, आपको नो डाउट रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। एक बार आप चेक कर सकते हैं ये सारी प्रोसेसेस को अडॉप्ट करके। इसके ये तो सॉफ्टवेयर लेवल मेथड थे जिसके थ्रू आप सिस्टम की परफॉर्मेंस को बहुत हाई कर सकते हैं, बहुत अच्छी कर सकते हैं। इसके अलावा आप हार्डवेयर लेवल पे भी सिस्टम की परफॉर्मेंस को हाई कर सकते हैं, उसके लिए आप रैम बढ़ा सकते हैं और आप चाहें तो क्या कहते हैं सिस्टम में नया प्रोसेसर ऐड कर सकते हैं, दूसरा प्रोसेसर लगा सकते हैं, पर वो थोड़ा कॉस्ट इफ़ेक्टिव होगा। रैम तक जा सकते हैं आप, रैम एक्सटेंड कर सकते हैं। सो ये इस सेशन में आपने देखा कि कैसे आप एक सिस्टम को की परफॉर्मेंस को अच्छा कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर विजिटिंग माई ब्लॉग।